गुड मॉर्निंग। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं को हम जो है पी क्यू के रूप में लिखते हैं। पी क्यू परिमेय संख्याएं हैं। समान हर वाली परिमेय संख्याओं का योगफल बराबर परिमेय संख्याओं के अंशों का योगफल बटा समान हर। अर्थात दो परिमेय संख्याओं को पी क्यू तथा आर क्यू के रूप में हम लिखते हैं। योगफल बराबर होता है पी क्यू तथा आर क्यू का योगफल बराबर पी क्यू प्लस आर क्यू बराबर पी प्लस आर बटा क्यू। प्राप्त परिमेय संख्याओं का सरलतर रूप में लिखते हैं। परिमेय संख्याओं का योगफल जब उनके हर समान नहीं है, परिमेय संख्याओं का योगफल जब हम उनके हर समान नहीं है, समान हर वाली दो परिमेय संख्याओं का जोड़ होता जोड़ हम कैसे जोड़ेंगे। तीन बटा पाँच और ऋण तीन तेरह बटा पाँच का जोड़ना है। यहाँ पर हल तीन बटा पाँच धन कोष्ट में ऋण तेरह बटा पाँच कोष्ट बंद बराबर तीन बटा पाँच धन और ऋण में हम गुणा करते हैं तो धन और ऋण का गुणा होता है ऋण। यह हो गया तेरह बटा पाँच। इसमें तीन बटा पाँच ऋण तेरह बटा पाँच में एलसीएम यानी लघुत्तम जो होता है पाँच होगा। पाँच में हम पाँच से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो एक में तीन से हम गुणा कर देंगे होगा तीन है, तीन गुणे एक ऋण तेरह गुणे एक बराबर हो गया तीन ऋण तेरह पाँच। तीन बटा पाँच ऋण तेरह बटा पाँच ठीक करते रहिए जो गलती निकले सुनता रहिए। तो यह हो गया तीन ऋण तेरह बटा पाँच बराबर ऋण तेरह में से तीन हम जो है घटा देंगे तो हो जाएगा ऋण दस बटा पाँच। ऋण दस बटा पाँच में हम पाँच से भाग दे देंगे यानी पाँच से काट देंगे, पाँच एकम पाँच पाँच दूनी दस हो जाएगा ऋण दो बटा एक बराबर ऋण दो। देखिए तीन बटा चार धन कोष्ट में सात बटा चार ऋण बराबर हो जाएगा तीन बटा चार धन और ऋण में गुणा करेंगे तो ऋण हो जाएगा सात बटा चार। इसका एलसीएम जो हो जाएगा चार, चार में चार से हम भाग दे दें यदि हर में तो एक बार जाएगा, तो तीन में हम एक से गुणा कर देंगे ऋण सात में जो है एक से गुणा कर देंगे तो तीन में एक से गुणा करेंगे तो तीन होगा और ऋण सात होगा बटा चार। अब हम घटा देंगे ऋण सात में से हम तीन निकाल देंगे तो ऋण चार बटा चार। अब चार में चार से हम भाग दे देंगे तो चार या चार से काट देंगे तो चार एकम चार चार एकम चार बराबर एक बटा ऋण एक बटा चार अरे एक बराबर एक। हल कीजिए। उत्तर ना है।
बस एक बार उनको समझा हर जगह ये तो राम को भर दो करते हैं तो बोला थोड़ा धना होता है बोला बिल्कुल नहीं धन्यवाद बच्चों धन्यवाद।